नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी, दोपहर का टाइम हो रहा है और टाइम हुआ है अभी 1:15 और बाहर आ रही है फ्रूट्स वाले, आवाज़ आ रही है, तेज़ तेज़ बोल रहे हैं। और मैंने कर लिया खाने की तैयारी, अब बनाऊँगी मैं, दिखाऊँगी क्या बनाऊँगी। और मम्मी गई है सत्संग में, गई है अभी 3-4 दिन के लिए गई हैं, आ जाएंगी, हाँ 3-4 दिन तक आ जाएंगी। और पापा जी छोल में गए हैं, आ जाएंगे, मैं भी 2 बजे तक आ जाते हैं, तब तक मैं बच्चों को बना के खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो होता ही है भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है, छुट्टियाँ पड़ रही है तो घर रह के कुछ और तो सोचता नहीं, ठंड में मम्मा क्या बनाया है, यही रहता है हर टाइम। और चलो दिखाती हूँ मैं। और जी बस इधर बैठ गई हूँ मैं सिर खोल के, और कर रही हूँ खुद से ही मालिश कर रही हूँ। दूसरे दिन तो खैर नहीं लगाती, तीसरे दिन तेल लगाती हूँ मैं अपने बालों में। और पहले सरसों का लगाती थी तो बाल काफ़ी टूट रहे थे, अच्छे खासे बाल थे, अब देखो कितने पतले से रह गए हैं, टूट टूट के हो गए हैं छोटे से। चलो जो भी है, इनका ध्यान रखेंगे, ये भी टिके रहें, वो भी बहुत है। और मम्मी गई है सत्संग में 2-3 दिन के लिए गई है। और ये मेरा मेकअप बॉक्स है छुटकू सा, इसमें क्या होता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर और काजल और बिंदी होती है, इतना सा मेरा मेकअप बॉक्स है। और फेस पे मैं कुछ नहीं लगाती, गर्मियों में लगाती हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा जेल, और सर्दियों में तो खैर कुछ नहीं लगाती मैं। और ये बिंदी है मेरी छुटकू सी, 1 साल हो गया ये बिंदी के पत्ते को, इतनी छोटी छोटी सी हैं ये, पर ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और मुझे लगती यही है अच्छी, छोटी सी बिंदी अच्छी लगती है। और मेरी सिस्टर जी बोलती है कि माथा बड़ा है तो बिंदी बड़ी लगाया कर, ये तो दिखाई भी नहीं देती, पर मैं लगा के भी देखती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, बड़े वाली बिंदी होती है जो अपने आप में ही नहीं अच्छी लगती। तो जी बस हो गया मेकअप सेकअप, इतना सा मेकअप सेकअप था। और अभी जैसे मैं खाना दाना बनाऊँ, इनका पल डला हुआ है, इनके नीचे सूखा उखा करके तो घास वास खिला के इनको बैठा दिया था। और ये देखो बच्चों का टीवी चल रहा है, जब तक मैं नहीं बैठूंगी इनके पास तब तक ये पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि साथ साथ बैठते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, लड़ाई ज़्यादा करते हैं। और देखो इधर बनाऊंगी आलू के पराठे, ये बना दी है पिट्ठी मैंने, धनिया दिखाई दे रहा है, ये धनिया डाला है ज़्यादा सारा, प्याज नहीं डाला क्योंकि प्याज पापा जी नहीं खाते। और ये मैंने दही जमाई थी, आयु बोल रहा था मम्मा दही जमा देना, पर ये जमी नहीं है। और देखो पूरे सलेब पे कुछ ना कुछ रखा ही है, इसमें घी है, इसमें दूध है दिन के लिए, इसमें तेल है जो कड़ा हुआ तेल होता है, और ये हमारी घी की कुजिया छुटकू सी, गाँव में अधिकतर ऐसी होती है। और आटा बना दिया है इधर, और इधर देखो ये चाय का पानी रख दिया है, पराठों के साथ चाय चलेगी, तो जी बनाते हैं चलो। और जी बस इधर बैठ गई हूँ मैं पराठे बनाने के लिए, तैयारी पहले ही करके रखी थी, और वो हो गया काम, सास घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, जो खाओ बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। तो मम्मी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती कि ये नहीं बनाना वो नहीं बनाना, तो मम्मी के सामने मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और मम्मी का तो वैसे ही ये है कि उनको तली हुई चीज़ें बहुत कम खाती हैं, उनको वो हो जाता है, पित्त हो जाता है, तो इस वजह से भी नहीं खाती जैसे हम बनाते हैं। तो मैं ही बोल देती हूँ, मैं कहा खा लो थोड़ा बहुत, तो फिर भी मैं डरती डरती खाती हैं, वरना अधिकतर नहीं खाती हूँ, सिंपल रोटी खाती हैं, परांठे वराठे कभी खा लेती हैं वरना नहीं खाती। और ये है जो रोटी बनवा लेती हैं, जैसे आलू वाली रोटी, उसमें तेल वेल नहीं लगवाते, तो वो बना देती हूँ मैं मम्मी के लिए तली हुई, तो उनको लगता है कि नुकसान देती हैं, तो इस वजह से नहीं खाती। पूरियाँ वगैरह भी पहले बोलती थी कि पहले मैं 2-2, 3-3 दिन की पूरियाँ खा लेती थी, पर अब ऐसा हो गया है कि साथ की भी नहीं खाई जाती। तो जी ये तो कहना टाइम की बात है सब जो भी है। तो जी इधर मैं बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ पराठे डबल पराठे बना रही हूँ मैं, और सिंगल बना के देखे थे मैंने, बन गए थे, और डबल मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादा ये जो वो होता है आलू वगैरह, ये ज़्यादा भरे जाते हैं, और ये मुझे अच्छे भी लगते हैं ज़्यादा आलू वाले पराठे, तो इस वजह से बनाती हूँ मैं। और बच्चों को लगी हूँ देने, आयु आ गया है अपने पराठे लेने के लिए।
तो जी अपनी हो गई पेट पूजा, बच्चों की भी हो गई। पापा जी अभी तक नहीं आए हैं और अब होएगी इनकी गाय की। इनको घास डाल लूँगी, घास डालने का टाइम हो गया है और ये खड़े भी हो गए हैं। वैसे तो पल डल रहा है पर जब ये खड़े होते हैं आवाज़ आ जाती है, इनको भी पता लग जाता है कि हमारा खाने का टाइम हो गया है। तो जी चलो करते हैं इनको घास। और जी बस इधर लग गई हूँ मैं घास डालने के लिए और अभी मैंने इनका पल हटा दिया था और देखो कितना कोहरा आ रहा है दिन में भी। अभी टाइम हो रहा है 2:30-3 के करीब बज रहे हैं और पापा जी अभी तक नहीं आए हैं। यही टाइम हो जाता है पापा जी को रोज़ डेली, मतलब 3-3 तो बज ही जाते हैं खाना खाते हुए, मतलब खाना खाने लगते हैं जब वे, और कभी कभी होता है पहले आ जाते हैं वरना अधिकतर इसी टाइम पर आते हैं और सुबह ही चले जाते हैं 8:30 बजे तक तो चले ही जाते हैं वे। और सर्दी तो पता है आजकल इतनी हो रही है। और इनके नीचे साफ़ सफाई करके बस इनको घास डाल के मैं पल डाल दूँगी। और देखो पापा जी आ गए थे तो सबसे पहले पापा जी हाथ पैर धो रहे हैं। और हाथ पैर मतलब पहले हाथ पैर धोने का ये भी होता है कि जैसे गर्म पानी का ये होता है कि जब तक हम डालते रहो तब तक अच्छा लगेगा, जहाँ डालना बंद कर दो तो कपकपी ऐसी बंधेगी बहुत ज़्यादा। तो इधर पापा जी नहा वहा के बैठ गए हैं बिस्तर में अपने और मैंने बनाए हैं, हमने तो खैर खा ही लिए थे, और मैंने बनाए हैं पापा जी के लिए गरम गरम। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे हम खा लेते हैं पहले, तो पापा जी के लिए साथ के साथ ही बना देती हूँ मैं जब आते हैं ये। और देखो पापा जी सबसे पहले अरदास कर रहे हैं भगवान जी से, और करनी भी चाहिए, कुछ खाते हैं तो खाने से पहले अरदास करनी चाहिए। और इधर बिल्ली बैठी थी तो पापा जी ने उसको टुकड़े तोड़ के उसके डाल दिए हैं बिल्ली को खाने के लिए, और चाय भी बना दी थी मैंने। और वैसे भी अगर दही जम जाती तो पापा जी सर्दियों में दही नहीं खाते बिल्कुल भी, चावल तो कभी कभार गर्म होते हैं जैसे गर्म गर्म वो खा लेते हैं पर दही तो बिल्कुल भी नहीं खाते, नुकसान देती है। तो जी बस पापा जी खा रहे हैं इधर खाना और बच्चे पार्टी लगे हैं अपने अंदर, टीवी तो बंद कर दिया, अंदर खेलने में लगे हैं दोनों ड्राइंग में।